टू एक्टिव प्लस गुड़गांव। आज हम लोग तीन ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि जिन लोगों के हाथ सो जाता है एंड नर्व के कंप्रेशन की वजह से सर्वाइकल से हाथ में पेन आता है, वो चीज ठीक हो जाएगा ये तीन एक्सरसाइज करने से। तो बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं कि उनके सर्वाइकल में भी पेन होता है एंड सर्वाइकल के पेन हाथ तक जा रहा है, वो क्यों होता है? पहले पेन को समझना है कि नर्व कंप्रेशन तो होता है, पर हाथ में तीन नर्व होता है, एक मीडियन नर्व, एक अल्नर नर्व एंड एक रेडियल नर्व। तो कोई भी नर्व कंप्रेस के वजह से पेन हो सकता है। तो सिम्टम्स हम लोग कैसे समझेंगे? सिम्टम्स पता करने की वजह से हम लोग समझेंगे कि कौन सी नर्व कंप्रेस हो रहा है एंड कौन सी स्ट्रेचिंग करना है। सो फर्स्ट नर्व है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की कंप्रेशन हम लोग किस सिम्टम्स के वजह से पहचान सकते हैं कि हमारे मीडियन नर्व कंप्रेस हो रहा है? मीडियन नर्व मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में सप्लाई होता है। अगर आपको यहाँ पे सोया हुआ फील हो रहा है या इंडेक्स के आगे और पीछे फिंगर में पेन फील हो रहा है एंड धीरे से थोड़ा सा थंब की तरफ भी जा रहा है, तो आपको समझना है कि ये मीडियन नर्व कंप्रेशन है। तो इसको हम लोग कैसे स्ट्रेच आउट करेंगे? मीडियन नर्व के जितने भी एडेशन है वो कैसे ब्रेक होगा? स्ट्रेचिंग करने के वजह से ही ब्रेक होगा। तो हम लोग देखेंगे मीडियन नर्व की स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं। पहले हाथ को थंब को ऐसे करेंगे, ठीक है? बहुत सारे पेशेंट्स गलती करते हैं कि हाथ ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं होगा, शोल्डर एक्सटर्नली रोटेट होगा एंड वॉल में हम लोग ऐसे प्लेस करेंगे एंड स्ट्रेच करेंगे। एंड सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग कब फील होगा? जब आप नेक को भी इस साइड में लोगे। तो यहाँ पे देखना है आप, मीडियम नर्व का स्ट्रेच हो रहा है अभी, एक शार्प स्ट्रेच फील होगा आपको, तो शोल्डर एक्सटर्नली रोटेट होगा। बहुत सारे पेशेंट्स ये गलती करते हैं, इंटरनली रोटेट करते हैं शोल्डर को, ऐसा नहीं होगा, ये परफेक्ट पोजीशन है मीडियम नर्व की स्ट्रेचिंग का। सेकेंड है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व मोस्ट कॉमन नर्व कंप्रेशन है। जो लोग रात को सोते टाइम इस हाथ में ऐसे ये प्रेस करके सोते हैं, वो लोग सुबह उठ के यहाँ पे नम फील करते हैं, सोया हुआ फील करते हैं। तो वो क्यों होता है? नर्व कंप्रेशन के वजह से। तो अब हम लोग देखेंगे कि अल्नर नर्व कहाँ पे सप्लाई होता है। अल्नर नर्व रिंग फिंगर और लास्ट जो फिंगर है वो इस दोनों पोजिशन में सप्लाई होते हैं एंड आगे और पीछे अगर पेन फील हो तो वो अल्नर नर्व कंप्रेशन की वजह से पेन फील हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अल्नर नर्व कैसे स्ट्रेच करते हैं, कैसे अल्नर नर्व के कंप्रेशन को एडिशन को ब्रेक करते हैं। तो हाथ को पहले दिस पोजीशन में लेना है, दिस एंड शोल्डर थोड़ा सा ऊपर एंड हाथ को कान के पीछे ऐसे लेना है। इजीली आप ऐसे ले सकते हो दिस, ठीक है? मैं और एक बार दिखा रही हूं, हाथ को ऐसे लेना है दिस एंड आप लेफ्ट हैंड से ऐसे प्रेस करना है। आपको इमीडिएट आपको एक शार्प स्ट्रेच फील होगा मीडियन नर्व का एंड इस पे आपको 3 सेकेंड होल्ड करना है, ओनली 3 सेकेंड। ये अल्नर नर्व की स्ट्रेचिंग है। 3 सेकेंड होल्ड करना है एंड 3 रिपीटेशन करो। दिन में आप जब भी आपका अनकंफर्टेबल अनकॉन्शियस फील कर रहे हो, आप ये वाला स्ट्रेचिंग कर सकते हो जिन जिन लोगों का ये वाला सिम्टम्स है। लास्ट नर्व है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व कहाँ पे हम लोग फिगर आउट करेंगे रेडियल नर्व की कंप्रेशन? हाथ के पीछे वाले साइड में, ये वाले पोर्शन में हम लोगों को पेन फील होगा, जो जहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स सप्लाई करते हैं वहां पे रेडियल नर्व सप्लाई होता है। एंड अभी हम लोग देखेंगे कि रेडियल नर्व के कैसे हम लोग कंप्रेशन को कम कर सकते हैं। पहले हाथ को डाउनवर्ड ऐसे लेना है, दिस पोजिशन दिस, ठीक है? एंड हाथ को ये जो हाथ है ऐसे अंदर की तरफ मुड़ना है एंड लेफ्ट हाथ से ऐसे प्रेस करना है दिस एंड आपको यहां पे एक शार्प स्ट्रेच फील होगा। ये आपका रेडियल नर्व के कंप्रेशन को कम करेंगे एंड दिस इज द रेडियल नर्व स्ट्रेचिंग। 3 सेकेंड होल्ड करना है एंड 3 रिपीटेशन करना है। रेडियल नर्व बहुत कम लोगों को होता है ये वाला कंडीशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मीडियन नर्व और अल्नर नर्व का ही होता है।
फिर भी आप मेडियन नर्व और अल्नर नर्व के साथ साथ रेडियल नर्व भी स्ट्रेच कर लेना, आपको कंफर्ट फील होगा। तो ये था हमारे हाथों का तीनों नर्व के स्ट्रेचिंग्स। एंड जिन जिन लोगों का ये सब प्रॉब्लम है वो लोग कमेंट करके जरूर बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सी नर्व कंप्रेस हो रहा है। एंड ऐसी छोटी छोटी टिप्स का टिप्स पाने के लिए हमारे एक्टिव प्लस चैनल सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड लाइक करो।